औरंगजेब जो था ना बड़ा जल्लाद था और बड़ा जालिम था, ये हिस्ट्री पढ़ाई गई। जाओ आज भी बनारस की बनारस की मस्जिद जाके देखो जो औरंगजेब आलमगीर के नाम से बनी खड़ी है, ये मस्जिद किसी सऊदीया के लाल ने नहीं बनाई थी, ये एक पंडित की बेटी ने बनवाई थी, क्योंकि उसने औरंगजेब आलमगीर का चेहरा देखा था। हाँ, बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। आज भी बनारस के अंदर मस्जिद मौजूद है, आज भी मौजूद है। आपने सुना होगा पंडित लाला राम की बेटी शकुंतला थी, हसीनो महजबी थी, और उसी बनारस के अंदर जो कोतवाल था इब्राहिम नाम, जो औरंगजेब आलमगीर के दौरे खिलाफत में वो कोतवाल था, बड़ा याश तबीयत का मालिक था, वो टहलने निकला, ये पंडित की बेटी निकली नहा करके, इसकी निगाह पड़ गई। उसने फौजियों से कहा, बताओ भाई ये किसकी बेटी है, पता करो। इस पे दिल आ गया, बहुत गौर से सुनना, मैं इस्लाम की तारीख बता रहा हूँ। कल जब हम इख्तदार पे थे तो हमने धर्म दे के बगैर इज्जतें बचाई थी, आज तुम इख्तदार में हो तो हमारी इज्जतें महफूज नहीं है। देखो इस्लाम का शहजादा जब किसी कुर्सी पे बैठता है, फिर मुस्तफा जाने रहमत का दौर कैसे याद आता है। तारीख उठा करके देखो, जिस आलमगीर को शालिम कहा जाता है उसी औरंगजेब की कहानी बता रहा हूँ। उसी के दौर में जब शकुंतला पर इब्राहिम लोधी का दिल आया था, इब्राहिम का दिल कोतवाल का दिल आया था, जब उसका दिल आया उसने कहा था मुझे ये लड़की चाहिए, पैगाम भेज दिया था मुझे इसको बीवी बनाना है। जब ये बात पंडित के दरवाजे तक पहुंची, मैं बहुत तफसील के साथ नहीं मुख्तसर अंदाज में बयान कर रहा हूं, तो उदास हुआ पंडित, बेटी बेटी होती के बाप का उतरा हुआ चेहरा देखा, कहने लग जाती अब्बा रोज दो रोटी खाते थे, आज रोटी का पहला लुकमा हलक में कैसे अटक गया, क्यों पानी के जरिए लुकमा उतारा गया है। बाप की आंख में आंसू आ गए, कहा बेटी यहां का जो कोतवाल है उसकी निगाह तेरे चेहरे पर पड़ गई है, उसने अपनी दुल्हन बनाने का ऐलान किया है। उसने कहा फिर परेशान क्यों हो, का एक मुस्लिम कोतवाल हमारी बेटी को दुल्हन बनाएगा, वो बेटी हमारी इज्जत चली जाएगी, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ। कहा जाओ बाबा बात करो जा करके। गया पंडित उस कोतवाल के दरबार में, कोतवाल ने कहा सुन भाई पंडित, तेरी बेटी पे दिल आ गया है, अगर उसको दुल्हन बना के मेरे घर नहीं भेजा पूरी खानदान की मैं गर्दने कटवा दूंगा। घर आया दौड़ करके, बेटी बड़ी बात हो गई है, गर्दन काटने की बात की है यहाँ के कोतवाल ने, चलो ऐसा करते हैं दरिया में कूद के जान दे देते। बच्ची ने कहा बाबा अभी जान देने की जरूरत नहीं है, सुना के मुसलमानों का एक बादशाह है जिसे औरंगजेब आलमगीर कहा जाता है, दिल्ली की जामा मस्जिद पर हर जुमे को सबकी फरियाद सुनता है, एक बार मुझे जाने की इजाजत दी जाए, उसके दरवाजे पर दस्तक देती हो, अगर वहां ना सुनी गई फिर मौत को गले लगा लेंगे। खुदा की कसम ये तारीख उठा करके पढ़िए, कहां तक तारीख का चेहरा बस करोगे आप, कितने चेहरे बदलोगे तारीख के, जिस पत्थर को उठा के देखोगे उस पत्थर के नीचे हम नजर आएंगे, जहां उठाओगे जमीन खोदोगे वहीं से हम निकलेंगे। जो तारीख हमारी रखी है यूं ही लाल किला महफूज रखी है, यूं की कुतुब मीनार बाकी रखी है, यूं ही हम आज तारीख के अंदर अपने ताजमहल की बातें नहीं करते हैं। सुने प्यारे बच्ची ने अपने बाप से कहा, अब्बा जी मुझे एक शहजादे का मुगल शहजादे का लिबास लाके दे। बाप ने कहा क्या करना है बेटी, कहिए ना मुझ से लिबास लाके दीजिए। बाप ने लाके दिया, घोड़ा दिया, बच्ची निकली बैंक के शहजादे का लिबास, घोड़े पे बैठी जब चला सफर किया उसने। बाप ने कहा बेटी कब तक आएगी, कहा बस 8 दिन के अंदर वापस आ जाना है। बनारस से बच्ची ने सफर किया, दिल्ली में पहुंची है, जुमे का दिन का सूरज निकल रहा था, पता किया कहां मिलेंगे, कहा जुमे की नमाज के बाद औरंगजेब आलमगीर जब मस्जिद से निकलते हैं सबकी फरियाद सुना करते हैं, ये भी जाकर के फरियादियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। आओ तुम्हें बताऊं इस्लाम की तारीख क्या रही है, पढ़ो दीन सीखो तालीम हासिल करो तब तुम आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही औरंगजेब आलमगीर मस्जिद से निकल रहे हैं हर एक की फरियाद सुन रहे हैं, पर्चे हाथ में लेते आ रहे हैं, खुदा की कसम ये पंडित की बेटी मर्दों वाला लिबास पहन के खड़ी है, उन्हीं मर्दों की लाइन है। जब इस्लाम का ताजदार हजरत औरंगजेब आलमगीर पहुंचे चलते चलते बच्ची तक, तारीख गवाह है, जैसे ही बच्ची के करीब पहुंची आपने निगाह उसके चेहरे पे नहीं डाली, नीचे निगाह कर लेते हैं और बिना कुछ पूछे कछे कहा बेटी तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत पड़ गई थी, यहाँ की माँ के खड़ी है, पर्ची हाथ में डायरेक्ट नहीं ली है, आपने अपनी चादर का कोना पकड़ा है, उससे कागज को पकड़ा और कहा बेटी महल में आओ वहां बात करेंगे। अल्लाह अकबर, जब आया है महल कबा मिला, बच्ची महल में आई है, औरंगजेब आलमगीर ने नजरें झुकाई है, बेटी सर झुका
बता के खड़ी है। उसने कहा था महाराज एक बात देखी है, बड़ी उम्मीदें लेके आई थी तेरे दरबार में, मुझे इंसाफ दिया जाएगा, लेकिन आज तू झूठ गया है। कहा किस लिए? कहा सबके कागज आपने अपने हाथों से लिए थे, लेकिन मेरे कागज को कपड़े से पकड़ा था, ये ना इंसाफी क्यों की गई? तो औरंगजेब ने कहा था बेटी तू एक औरत है और हमारा इशराफ किसी औरत को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। बेटी तू एक लड़की है और हमारा इस्लाम किसी लड़की को हाथ लगाने की इजाजत नहीं देता। मैं पूछना चाहता हूँ क्या तुम भी किसी ऐसे शासन पर बैठे हो जहाँ खैर महरम को छूना हराम कहा जाता हो और फिर भी बदनाम इस्लाम है? खुदा की कसम जो इज्जत बेटी को इस्लाम ने दी है वो दुनिया के किसी धर्म किसी कोने में नजर नहीं आ रही। खैरों से कहा तुमने, खैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता कुछ हमसे सुना होता। पढ़े तारीख अपनी। औरंगजेब आलमगीर ने कहा मेरी बच्ची बात ये नहीं है, हम किसी गैर महरम को हाथ नहीं लगाते, ये बादशाह का नजरिया, ये बादशाह का नजरिया है, मुझे इस पे गुफ्तगु नहीं करनी है, मैं सियासी गुफ्तगु करने नहीं आया, मैं अपनी कौम को बेदार करके मुस्तफा के मदीने तक पहुंचाना चाहता हूँ, बस यही नजरिया है और हर डगर हर नगर पे यही चाहते हैं, यही है आरजू ताली में कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। भाई औरंगजेब आलमगीर के दरबार में बच्ची खड़ी है, बता बेटी बात क्या है? बच्ची ने पूरी रुदात कही, कहा आपका जो कोतवाल है ना वो इज्जत लूटना चाहता है, सुनाए आपके दरबार से कोई खाली नहीं गया, 8 दिन का टाइम मिला है उसके, 15 दिन का टाइम मिला है उसके दरबार से, अगर दुल्हन बन के न गई तो मेरा परिवार मार दिया जाएगा, क्या करूं मैं? औरंगजेब आलमगीर ने कहा जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए, जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। ए बाबू कहां जा रहे हो? इधर आओ, कुरान शरीफ भिजवा दीजिए, कहीं रखवा दीजिए, आप बैठो बैठो, सारी महफिल आपके लिए सजी है, असल दूल्हा तो आज आप हैं, हमें तो आपके सदके में बोलने का मौका मिला है। कुरान शरीफ जरा पहुंचा दें, जरा थोड़ा सा चले आगे, तवज्जो है, कहते जरा या रसूल अल्लाह, सुनेंगे थोड़ी देर। ये हमारा प्रशासन, ये बहुत अच्छा इंतजाम, हालांकि परमिशन जो भी थी जहां तक थी, ये इनकी एक महानता की दलील है कि अभी तक हमारा प्रोग्राम आगे तक चलता जा रहा है। हाँ बस तवज्जो करें, बस थोड़ी देर गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाएं, तवज्जो कह दें जरा या रसूल अल्लाह, जोर से बोले। औरंगजेब आलमगीर ने क्या कहा? बोले जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए। बच्ची का दिल टूट गया, बड़ी हसरतें लेके आई थी, हो सकता फरमान जारी होगा हम सर कलम करें, नहीं बेटी हम फौजी भेज रहे, उन्होंने तो कह दिया कि जैसा मेरे कोतवाल ने कहा वैसा किया जाए। बच्ची रोती हुई वापस लौट आई, घर आई, बाप ने जल्दी से पूछा क्या कुछ काम बना? कहने लगी अब्बा जो बादशाह है ना उसने ये कहा है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए। बाप की चीख निकल गई, बेटी मैंने कहा था कुछ नहीं होने वाला, चलो नदी में कूद के जान दे देते, बनारस की बात है इसी नदी में जान दे देते, इज्जत तो बच जाएगी। बच्ची ने कहा नहीं अब्बा, कहा क्यों? कहा जब उस बाबा ने ये कहा है ना जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसा किया जाए, उसने कहा मुझे दुल्हन भी बनना है, मुझे टोली में भी बैठना है। कहा बेटी इज्जत चली जाएगी? उसने कहा अब्बा जितनी देर में दहली में रही थी उसने मुझे 3 बार बेटी कह के आवाज दी थी, 3 बार मुझे बेटी कहा था, और जो कोई मुसलमान किसी को बेटी कह देता है कभी उसकी इज्जत लुटने नहीं देता है, मुझे वही करना है जो उसने कहा है, आगे क्या होगा ये वो जाने। जब बात आ गई शादी वाले दिन की, दुल्हन बनी, बैठी डोली में, चलने लगी डोली, बाप रो रहा था इज्जत चली गई। जब ये डोली उठ के ना उस इब्राहिम कोतवाल के दरवाजे पे पहुंची, उसने कहा डोली रख दो। कहा क्योंकि आज मैं अपने हाथ से खैरात लुटाना चाहता हूँ, खुश था मकन था बूढ़ा भूसट, इस चक्कर में था जवान लड़की मिल गई है, अय्याशी का
उसको नशा चढ़ा था, उसने कान रखो डोली और उसके बाद सोने के सिक्कों के तश्त लाए गए। वो यूं उठाता बखेर देता, भिखारी और लूटने वालों की लाइन थी। जब लोग उसकी खैरात लूट रहे थे, उसी जमात के अंदर एक पुरानी चादर ओढ़ करके शख्स आगे बढ़ा। उसने कोतवाल के आगे हाथ फैलाया, कब मुझे भी कुछ दिया जाए। उसने कहा, नीचे इतने सिक्के पड़े हैं, उठा क्यों नहीं लेता है। आने वाले ने कहा, मैं अलग किस्म का सवाली हूं, मैं फेंके हुए नहीं उठाता, मेरे हाथ में दिया जाए। जब इतना कहा है, उसने जैसी सिक्कों की मुट्ठी भरी है और फकीर के हाथ में हाथ दिया है। फकीर ने कलाई थामी, एक हाथ से चादर उतारी, तारीख गवाह है, चादर के नीचे जो चेहरा नजर आया वो औरंगजेब आलमगीर का चेहरा नजर आ रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने औलियाए किराम, वो औरंगजेब आलमगीर का चेहरा कांप गया। कोतवाल, हुजूर आप कहने लगे, तुझे क्या लगता है हुजूर का गुलाम मसनद पे बैठा हो और तेरे जैसे कुत्ते औरत की इज्जत पे नजर उठा ले। तुझे नहीं पता हमने मदीने वाले का कलमा पढ़ा है। हाँ, उसके बाद कहा दो हाथी लाए जाए। दो हाथी लाने के बाद उसी मैदान के अंदर दोनों हाथियों में उसकी टांगे जंजीरों से बांध करके मुखालिफ सिंतों में दौड़ाया गया, पीठ से चीर के रख दिया। ऐलान किया औरंगजेब आलमगीर ने, यह मत समझ लेना बेटी किसी गैर कौम की है, आज के बाद किसी बेटी की इज्जत पे भी उंगली उठी औरंगजेब आलमगीर के दौर में यही हश्र किया जाएगा। उसके बाद बच्ची निकली है पालकी से, कहने लगी, महाराज आप आ गए मेरे घर, चलिएगा। अल्लाह अकबर, औरंगजेब आलमगीर पंडित के घर आए। अल्लाह अकबर कहते हैं, बेटी जल्दी कीजिए, मुझे पानी दिया चाय पीने के लिए। बच्ची ने कहा, आप प्यास ज्यादा लग रही है। कहा, जिस दिन तुम मेरे दरबार में गई थी और अपना दर्द बयान किया था, उसी दिन मैंने कसम खाई थी, उस दिन तक पानी नहीं पीऊंगा जब तक बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा। अल्लाह अकबर, उस फरियाद के बाद आज पहला दिन था औरंगजेब आलमगीर ने पानी पिया है। बच्ची से कहते हैं, अब बेटी मुझे पानी तो पिला दिया, मुझे नमाज अदा करनी है। बच्ची ने चबूतरा बनाया था, कब मुझे पता था तुम आओगे तो इबादत भी करोगे। ये जगह मैंने आपके लिए साफ मिट्टी से तैयार की है, आप इस पे नमाज अदा करें। औरंगजेब आलमगीर ने शुक्रिया के सस्ते जिस जमीन पे अदा किए थे, उसी जमीन को पंडित ने मस्जिद बना दिया था और आज तक उस मस्जिद का मुतवल्ली पंडित के घराने का शख्स रहता है। तारीख रही है और हमारी औलाद को बेवकूफ बनाया जाता है कि तुम्हारा जो बादशाह था वो जालिम था। खुदा की कसम, जब हम कुर्सी पे बैठे थे तो इज्जत सलामत थी, सलामत थी। मेरी कौम, तुम्हें पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा।